प्रिय दोस्तों, प्रभु यीशु के नाम में नमस्कार। शास्त्री जॉनसन सी फिलिप के बाइबल प्रवचन माला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं। उनका कोई भी प्रवचन आपसे छूट न जाए, उसके लिए इस पाठ्यमाला को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है, पहले उसे क्लिक कर दें। उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है, उसे क्लिक कर दें। बस हो गया काम। अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी। आज प्रभु ने हम सबको इस तरह से एक मौका दिया, इसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूँ। अपन लोग पिछले कई हफ्ते से पहला यूहन्ना 1 से हमने अध्ययन आरंभ किया था और 2 अध्याय तक पहुँच गए थे। जो लोग पहली बार आए हैं, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ, हर संडे शाम को यहाँ सत्संग होता है। इस सत्संग में हम पवित्र बाइबल का अध्ययन करते हैं। प्रभु ईसा, या जिनको प्रभु यीशु भी कहा जाता है, दोनों एक ही बात है। प्रभु ईसा के अनुयायी लोग जिस धार्मिक पुस्तक का उपयोग करते हैं, उसका नाम है बाइबल। ये नाम अपने आप में विचित्र लगे, लेकिन ये यूनानी भाषा से आया है। यूनानी भाषा, प्रभु यीशु यूनानी भाषा बोलते थे और यूनानी भाषा में बाइबल का मतलब है पुस्तक। तो प्रभु यीशु के अनुयायी जिस पुस्तक का अध्ययन करते हैं, उसको यूनानी भाषा में सिर्फ पुस्तक कहा जाता है। हिंदी में आते आते वो एक नाम बन गया है। पवित्र बाइबल को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। आज प्रभु ने पवित्र बाइबल से अध्ययन के लिए जो मौका दिया, उसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूँ। पवित्र बाइबल 1500 सालों में लिखा गया ग्रंथ है और इन 1500 सालों में लगभग 40 के करीब लेखकों ने इस महान ग्रंथ की रचना की। उन लोगों ने 66 अलग अलग पुस्तकों के रूप में इसकी रचना की और ये जो पवित्र बाइबल जो मैं आपके सामने लिए खड़ा हूँ और यहाँ पर कई लोगों के पास है, इसमें 66 पुस्तकें हैं जिनको लगभग 40 के करीब लेखकों ने लिखा था। इसमें पहला यूहन्ना 2 अध्याय का अध्ययन हमने आरंभ किया था। हम लगभग 6 पद तक आ गए थे, 5वां पद हमने समाप्त कर दिया था। 6 पद में हम पढ़ते हैं, जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि वैसा ही चले जैसा वह चलता था। आज जितने लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं, इनमें जितने लोग प्रभु ईसा के अनुयायी हैं या प्रभु यीशु के अनुयायी हैं, जितने लोगों ने प्रभु यीशु को अपना इष्ट देव मान लिया है, उन सब से प्रभु का वचन ये उम्मीद करता है कि जैसे प्रभु यीशु का जीवन था, वैसा ही आदर्श जीवन हम सबका होगा। ये आसान बात नहीं है। याद रखें, प्रभु यीशु को जब सूली पर चढ़ाया गया था, तब प्रभु ने प्रार्थना की, हे पिता, इनको क्षमा कर दीजिए, क्योंकि ये लोग नहीं जानते कि ये लोग क्या कर रहे हैं। ये प्रभु यीशु का व्यवहार था। अपने विरुद्ध कार्य करने वाले लोगों को, जो उनकी हत्या कर रहे थे, उन लोगों के लिए भी पिता परमेश्वर से प्रार्थना और याचना कर रहे थे कि प्रभु इनको क्षमा कर दीजिए। वही स्वभाव हम सबसे उम्मीद की जाती है, जिस तरह से प्रभु का स्वभाव था।
फिलिपियों की पत्री दूसरे अध्याय में प्रभु यीशु के स्वभाव के बारे में हम पढ़ते हैं। फिलिपियों 2 जरा अपनी डायरी में नोट कर लें और बाद में जब आपको फ्री समय मिलेगा तब फिलिपियों 2 जरा पढ़ के देख लेना। वहाँ लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु के मन में जैसा भाव था, जैसा वो सोचते थे, वैसे ही तुम भी सोचो, जिन्होंने परमेश्वर होते हुए भी मनुष्य रूप धारण किया। आज से 2000 साल पहले प्रभु मनुष्य रूप धारण करके संसार में पधारे थे। आज सुबह जब मैंने संदेश दिया, आप में से कई लोग उपस्थित थे, उसमें मैंने ये बात याद दिलाई कि आज से 6000 साल पहले प्रभु ने मनुष्य की सृष्टि की, पुरुष और स्त्री के रूप में सृष्टि की, और उनको अदन नामक एक बहुत बड़े उद्यान में, एक गार्डन में रखा, जहाँ मनुष्य के मन को लुभाने वाला हर तरह का फूल और हर तरह का फल था। और मनुष्य से कहा कि जो कुछ है तुम्हारा है, इन सब को तुम खा सकते हो। उस उद्यान के या गार्डन के बीचों बीच 2 पेड़ थे, एक जीवन का वृक्ष। मनुष्य को साफ साफ बता दिया गया था कि ये जीवन का वृक्ष क्या है। उस वृक्ष का फल जो खा लेता था या खा ले तो हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहता। दूसरा मृत्यु का वृक्ष था, यदि कोई व्यक्ति उस मृत्यु के वृक्ष के फल को खा ले तो तुरंत उसकी आत्मिक मृत्यु हो जाती थी, और आत्मिक मृत्यु के कारण शारीरिक रूप से भी उसकी मृत्यु कुछ समय के बाद हो जाती। वहाँ पर पिता परमेश्वर ने मनुष्य को एक प्रॉमिस दिया, एक वाचा बांधी, और वो प्रॉमिस ये था कि मैं इस संसार में एक मुक्तिदाता को भेजूंगा जो मनुष्य के पापों के लिए रास्ता निकालेगा। हम इस बात को जानते हैं, हम में से हर व्यक्ति जानता है कि हम में से कोई भी व्यक्ति संत नहीं है। आजकल तो स्थिति ये हो रही है कि संतों के बीच में भी खोट आ गई है। कई सारे लोग जो अपने आप को संत कहते हैं वो तमाम तरह के अपराधी निकलते हैं। तो स्थिति इतनी खराब हो चुकी है, इसके बीच में, इन मनुष्यों के बीच में प्रभु यीशु ने मनुष्य रूप धारण करके जन्म लिया। और प्रभु का वचन साफ साफ कहता है कि जब ईश्वर ने मनुष्य के रूप में जन्म लिया तो मनुष्य को चाहिए कि प्रभु यीशु के स्वभाव को देखकर उसी तरह से जीवन बिताने की कोशिश करें। इसलिए 6वें पद में हम देखते हैं, जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि वैसा ही चले जैसा वह चलता था, या जिस तरह से प्रभु यीशु का चाल चलन था वैसा ही हमारा होना चाहिए। याद है, प्रभु के पास कोई भी व्यक्ति मदद के लिए आया हो, प्रभु ने उसको कभी खाली हाथ नहीं लौटाया। मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, प्रभु के पास कोई भी व्यक्ति मदद के लिए आया हो, प्रभु ने उसे कभी भी खाली हाथ जाने नहीं दिया, बल्कि प्रभु ने उनको कुछ ना कुछ दिया। कुछ लोग चंगाई के लिए आते थे, कुछ लोग भोजन के लिए आते थे, कुछ लोग अन्य बातों के लिए आते थे। प्रभु ने उनमें से हर व्यक्ति को जो उसे चाहिए था वो दिया। हाँ, उसमें से एक काम हम नहीं कर सकते। एक अंधा आया, प्रभु से कहा प्रभु मुझे रोशनी दे दीजिए आँखों की, तो प्रभु ने दिया। ये तो दिव्य कार्य है, इसे सिर्फ प्रभु कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा और बहुत सारे कार्य जो प्रभु ने एक मनुष्य के रूप में किए थे वो हम सब कर सकते हैं। उसके अलावा हम एक काम जरूर कर सकते हैं, आत्मिक रूप से जो लोग अंधेरे में हैं, जिनकी आँखें अंधकार से भर गई हैं, आत्मिक रूप से जिनकी नज़र सही नहीं है, उन लोगों को हम आत्मिक रूप से जीवन देकर, आत्मिक जीवन देकर उनके आत्मिक आँखों को खोल सकते हैं। तो जब प्रभु का वचन कहता है कि जिस तरह से प्रभु का चाल चलन था वैसा ही हमारा होना चाहिए,
तो आज शाम को पहली बात जो मैं याद दिलाना चाहता हूँ वो ये है, या पहला प्रश्न जो मैं पूछना चाहता हूँ वो ये है, आप जहाँ काम करते हैं, अभी जितने लोग यहाँ बैठे हैं लगभग सभी लोग काम करते हैं, एक आध दो विद्यार्थी हैं, उसके अलावा लगभग सभी लोग काम करते हैं, जो काम नहीं करते वे भी जहाँ रहते हैं वहाँ अड़ोस पड़ोसी उनको जानते हैं। यदि उनसे पूछा जाए कि फलाने व्यक्ति को जानते हो क्या, उनका उत्तर क्या होगा? अरे बाप रे, वो तो बहुत ही बेकार व्यक्ति है, उसका स्वभाव बेकार है, वो आदमी भी बेकार है, उसका स्वभाव भी बेकार है, इस तरह से जवाब देंगे? या जवाब यह होगा, अरे उनको जानते हो क्या तुम, वो तो बहुत गजब का व्यक्ति है, वो तो बहुत गजब की महिला है, उनसे चार शब्द बोलो तो मन को तसल्ली हो जाती है, उस भाई से चार शब्द बोलो तो मन को तसल्ली मिल जाती है, क्या कहेंगे वे लोग? इस तरह का जवाब देंगे या ये कहेंगे कि बहुत ही वाहियात व्यक्ति है, उससे उसके तो मुंह लगना भी खराब है। यदि हमारा चाल चलन, यदि हम दावा करते हैं कि प्रभु यीशु मेरे इष्ट देव हैं, यदि हम दावा करते हैं कि प्रभु यीशु मेरे मुक्तिदाता हैं, तो हमको वही चाल चलन दिखाना चाहिए जो प्रभु यीशु का चाल चलन था। अब आप पूछेंगे कि प्रभु यीशु के चाल चलन के बारे में कैसे पता चले? आप में से कई लोगों को भाई जेफरी अभी नया नियम लाके दे रहे थे, उसमें शुरू की चार पुस्तकों का नाम है मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। आप पूछेंगे कैसे नाम है? देखिए, ये चारों पुस्तकें यूनानी भाषा में लिखी गई थी और ये चारों यूनानी नाम हैं या यहूदियों के नाम है। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इन चार लोगों ने प्रभु यीशु की जीवनी को विस्तार से लिखा है। आप पूछेंगे कि चार चार लोगों को लिखने की क्या जरूरत पड़ी? उसका कारण है, जब हम एक व्यक्ति को देखते हैं तब हर व्यक्ति की नज़र अलग होती है। जब मेरी पत्नी मुझ पर नज़र डालती है तो मुझ में पति नज़र आता है, जब बेटा या बेटी मुझ पर नज़र डालते हैं तो उनको पिता नज़र आता है। जो लोग मेरे साथ प्रभु की सेवा करते हैं वो लोग मुझ पर नज़र डालते हैं तो उनको प्रभु में अपना सहकर्मी दिखाई देता है। मैं जिस विद्यालय में या बाद में जिस कॉलेज में पढ़ाता था, वहाँ के विद्यार्थी जब मुझे देखते हैं तो वे तुरंत कहते हैं कि अरे ये तो मेरे अध्यापक हैं। इन सब से यदि कहा जाए कि शास्त्री फिलिप के बारे में कुछ लिखो, तो ये चारों अलग अलग तरीके से लिखेंगे। एक, उसने जिस पति को देखा, दो, उन्होंने जिस पिता को देखा, तीन, उन्होंने जिस सहकर्मी को देखा, चार, उन्होंने जिस अध्यापक को देखा। तो हम में से हर व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके कई पहलू हैं। प्रभु यीशु के व्यक्तित्व के अलग अलग पहलुओं को देखकर उसको लिखने के लिए परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने चार लोगों को प्रेरणा दी और उन चार लोगों ने प्रभु यीशु की जीवनी लिखी है। और यदि आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु का जीवन कैसा था ये जाने, तो वो जो नया नियम आपके हाथ में है उसमें शुरू की चार जो पुस्तकें हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इन चार पुस्तकों को पढ़कर देखिए। मत्ती प्रभु यीशु के राजकीय स्वभाव को दिखाते हैं, मरकुस प्रभु यीशु के अंदर जो सेवा भाव था उसको प्रदर्शित करते हैं, लूका प्रभु यीशु एक सच्चे मनुष्य थे इस बात के बारे में लिखते हैं, यूहन्ना प्रभु यीशु सच्चे ईश्वर थे इस कोण से उन्होंने लिखा है। चार लोगों ने चार अलग अलग कोण से लिखा है, ये शायद कुछ लोगों के लिए नई बात होगी, इसलिए मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। मत्ती ने प्रभु यीशु का जो राजकीय स्वभाव है, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, उस कोण से प्रभु की जीवनी लिखी है। मरकुस ने प्रभु यीशु मनुष्य रूप धारण करके एक आज्ञाकारी व्यक्ति के रूप में संसार में पधारे, इस कोण से मरकुस ने लिखा है। लूका एक मेडिकल डॉक्टर था, उसने प्रभु यीशु के बारे में बहुत विस्तार से अध्ययन करके
प्रभु यीशु को एक ऐसे मनुष्य के रूप में प्रस्तुत किया है जो हर तरह से पूर्ण था। यूहन्ना एक फिलोसोफर था, उसने प्रभु यीशु का जो ईश्वरीय गुण है उसके ऊपर अधिक प्रकाश डाला। इस तरह से चार जीवनियां प्रभु यीशु के आपके हाथ में हैं और मेरा अनुरोध है कि इन चार जीवनियों को जल्दी से जल्दी आप पढ़कर समाप्त करें और प्रभु यीशु के जीवन के बारे में जान लें। हाँ, एक अनुरोध है, खोलते ही जो पहला अध्याय है उसमें 10-20 नाम दिए हुए हैं, उससे परेशान ना हो, बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि ये नाम वहाँ क्यों दिए हैं। तो उन नामों को थोड़ा झेल लीजिए, उस नामों के पहले और नामों के बाद में जो कुछ लिखा है उसका अध्ययन कीजिए, आपको ये बात पता चल जाएगी कि प्रभु यीशु किस तरह के व्यक्ति थे। और जैसे प्रभु चलते हैं वैसे ही हम चलें, जब प्रभु का वचन हमको प्रोत्साहन देता है। तो प्रभु का जो चलना था, प्रभु का जो चाल चलन था, वो इन चार गॉस्पल, चार शुभ संदेश, ये चार पुस्तकों को अक्सर शुभ संदेश भी कहा जाता है, इन चार शुभ संदेशों में हमको मिलता है। सातवां पद या सातवां श्लोक जो है उसमें हम पढ़ते हैं, हे प्रियो, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिखता, पर वही पुरानी आज्ञा जो आरंभ से तुम्हें मिली है। यह पुरानी आज्ञा वह वचन है जिसे तुमने सुना है। कौन सा वचन है जो हमने सुना है? पवित्र बाइबल का जब हम अध्ययन करते हैं तो एक बात स्पष्ट हो जाती है कि लिखित रूप में ये जो वचन है, इसकी पहली पुस्तक की रचना 3.5 साल पहले हुई थी, 3,500 साल पहले। लेकिन परमेश्वर का, प्रभु का जो पवित्र वचन है वो उसके बहुत पहले से उपलब्ध था। आदम और हव्वा से प्रभु प्रतिदिन संपर्क करते थे, आदम और हव्वा के साथ वार्तालाप में समय बिताते थे। उस समय मनुष्य की स्मरण शक्ति बहुत हुआ करती थी। अभी भी हिंदुस्तान में 2-3 पीढ़ियों पहले लोगों की स्मरण शक्ति बहुत अच्छी हुआ करती थी। आजकल क्या है कि एजुकेशन का जो नया तरीका है और एजुकेशन में तमाम तरह की आधुनिक चीज़ें आ गई हैं जिसके कारण लोगों की स्मरण शक्ति घटती जा रही है। 2 और 2 कितना है यदि किसी से पूछो तो पहले कैलकुलेटर लेकर उस पर जोड़ के देखेगा और बताएगा कि 2 और 2 5 होते हैं। फिर जब उससे पूछो कि भैया मैंने 2 और 3 नहीं, 2 और 2, अच्छा 2 और 2 जो है जोड़ के, वो कहता है कि 0 है। तो फिर हमको कहना पड़ता है कि 2 में से 2 घटाने को नहीं, 2 में 2 जोड़ने को कहा है, तो कहता अच्छा 4 है। हमारी स्मरण शक्ति इतनी ख़राब हो गई है। 2-3 पीढ़ी पहले स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती थी। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तब हमारे साथी लोग 40 तक का पहाड़ा याद करते थे, 40 तक का, 1 से 40 तक का या 2 से 40 तक का। उससे एक पीढ़ी पहले न केवल वो 2-3-4 का पहाड़ा सीखते थे, आधा, पौन, 1.25 इसका भी पहाड़ा जो है याद करते थे। तो इतनी स्मरण शक्ति यदि आज से 3 पीढ़ी पहले थी तो जरा याद रखें, आदम और हव्वा जो आदि पुरुष और आदि माता थी, उनकी स्मरण शक्ति कैसी अद्भुत होगी। तो प्रभु जब उनसे संपर्क करते थे प्रतिदिन, तो प्रभु नेचुरली उनसे जो बातें करते थे वो प्रभु का वचन था, प्रभु का मौखिक वचन था। और इस मौखिक वचन को सुनकर उन्होंने निश्चित रूप से अपनी अगली पीढ़ियों को ये बात बताई होगी, क्योंकि अगली पीढ़ी के 2 भाई, एक का नाम था कैन, एक का नाम था हाबेल। कैन और हाबेल ने, एक खेती किसानी करता था, एक जानवरों को पालता था। तो खेती किसानी करने वाले ने, उसने जो कुछ उगाया था उसमें से एक पोर्शन प्रभु को भेंट किया। हाबेल जो कि जानवर पालता था उसमें से उसने लाकर एक जानवर प्रभु को भेंट किया। किसने बताया उनको?
कैन और हाबेल को किसने बताया कि इस तरह से प्रभु के लिए भेंट प्रदान करना है? उनके माँ बाप ने। उस समय प्रभु का वचन तो उपलब्ध नहीं था, प्रभु का वचन सिर्फ मौखिक रूप से उपलब्ध था जो कैन और हाबेल को बताया गया और उन्होंने उसके अनुसार काम किया। आदम से कुछ पीढ़ी बाद एक व्यक्ति का नाम हम सुनते हैं, उस व्यक्ति का नाम था हनोक। हनोक के बारे में यहूदा की पत्री, उसमें सिर्फ एक अध्याय है, उसमें हनोक के बारे में हमको थोड़ा सा डिटेल मिलता है। और यहूदा की पत्री जब पढ़ते हैं तब उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आने वाले दिनों में जो घटनाएं घटेंगी, जिस तरह के लोग संसार में होंगे, उसके बारे में यहूदा ने भविष्यवाणी की थी। जिससे हम ये बात फिर से समझते हैं कि लिखित रूप में पवित्र बाइबल हमको देने से पहले ही प्रभु का वचन मौखिक रूप से उन लोगों के लिए उपलब्ध था, और मौखिक रूप से ये प्रभु का वचन हर पीढ़ी में रहा है। इस तरह से मौखिक रूप से परमेश्वर ने अपने बच्चों को जो वचन दिया, प्रभु का वचन, यहाँ पहले पद में कहता है, हे बालकों ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो। सातवां पद, हे प्रियो मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिखता, पर वही पुरानी आज्ञा जो आरंभ से तुम्हें मिली है। आरंभ का मतलब क्या है? मनुष्य जाति, मनुष्य की सृष्टि के आरंभ में परमेश्वर ने जो आज्ञा दी थी, वो आज्ञाएं आज भी प्रभावशाली हैं। यहाँ पर वो आज्ञा कौन सी है उसके बारे में लिखा है, ये पुरानी आज्ञा वह वचन है जिसे तुमने सुना है। जब हम पहला यूहन्ना को पूर्ण अध्ययन कर संपूर्ण अध्ययन करते हैं तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि वो आदि में जो आज्ञा दी गई थी वो आज्ञा क्या है, और वो आज्ञा ये है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। कुल दो ही आज्ञाएं हैं प्रभु के वचन में जो बाकी सारी आज्ञाओं का सारांश है। उसमें पहली आज्ञा यह है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, दूसरी आज्ञा यह है कि तुम अपने परमेश्वर से अपने पूरे ध्यान के साथ तन मन धन परमेश्वर से प्रेम रखो। ये दो आज्ञाएं यदि कोई व्यक्ति समझ लेता है तो उसने परमेश्वर के वचन की जितनी आज्ञाएं हैं सबको समझ लिया है। उदाहरण के लिए तुम चोरी न करना, चोरी का मतलब क्या है? किसी और व्यक्ति की वस्तु बिना उसको बताए ना जायज तरीके से हम ले लेते हैं। लेकिन प्रभु के वचन की जो पहली आज्ञा है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, यदि हमने अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम किया होता तो उसके सामान की चोरी नहीं करते, क्योंकि हमें अपना सामान जिस तरह से प्रिय है उसी तरह से उसको अपना सामान प्रिय है। और यदि हम उसे अपने समान प्रेम करते हैं तो जो सामग्री जो उसके पास है, जो उसके लिए प्रिय है, उसको उसके हाथ से चोरी नहीं करते। प्रभु के वचन की सारी आज्ञाएँ इन दो आज्ञाओं में पूरी हो जाती हैं। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, तुम प्रभु अपने परमेश्वर से जी जान से प्रेम करो। इसलिए यहाँ लिखा है कि मैं तुमको कोई नई आज्ञा नहीं लिखता, ये पुरानी आज्ञा वह वचन है, पर पुरानी आज्ञा जो आरंभ में तुम्हें मिली थी। आदम और हव्वा की सृष्टि के साथ साथ परमेश्वर ने अपना वचन लोगों को देना आरंभ किया था, और इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि वो जो आज्ञा तुमको आरंभ में दी गई थी। यहां क्षण भर के लिए रुक कर मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं, जब हम आरंभ के बारे में बात करते हैं तब एक बात और समझ लेना जरूरी है, और वो ये है
कि आरंभ में जब प्रभु ने मनुष्य की सृष्टि की, मनुष्य को सर्वोत्तम फल खाने को दिए, और जब प्रभु आकर हर दिन मनुष्य के साथ वार्तालाप करते थे, तो मनुष्य के लिए जरूरी था कि वो अपने जीवन में पवित्रता बनाए रखे। प्रभु पवित्र हैं और प्रभु के साथ जो संगति करता है उसको भी पवित्र होना चाहिए। लेकिन जब हम आरंभ की बातों के बारे में सोचते हैं, तब एक घटना याद आती है। यह घटना हम उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय में पढ़ते हैं। नोट कर लें, उस मैं 3 अध्याय को खोलने नहीं जा रहा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं बीच बीच में जो पद बोलता हूं उसको नोट करके आप बीच बीच में उसको पढ़ लिया करें, जिससे आपका स्वयं अध्ययन भी यहाँ जो प्रवचन है इसके साथ साथ होता जाए। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय में हम देखते हैं कि मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। वहाँ हम एक बात और देखते हैं, परमेश्वर ने पहले बोला था आज्ञा का उल्लंघन मत करना, जिस दिन तुम आज्ञा का उल्लंघन करोगे उस दिन आत्मिक रूप से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, और आत्मिक रूप से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तो कुछ समय के बाद सांसारिक मृत्यु भी हो जाएगी। एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। आदम और हव्वा ने पाप किया, परिणाम क्या हुआ, दोनों की आत्मिक मृत्यु हो गई। उसका परिणाम क्या हुआ, उनको अपने स्वयं के शरीर पर ग्लानि हुई। तब परमेश्वर ने चमड़े का वस्त्र बनाकर उनको पहना दिया, जो इस बात को बार बार याद दिलाता था, तुमने जो समस्या पैदा की है, तुमने अपनी इच्छा से, अपने गलत कार्यों से, अपने लिए जो समस्या पैदा की है, उसका हल तुम्हारे पास नहीं है, उसका हल सिर्फ परमेश्वर के पास है, प्रभु के पास है। तो जब परमेश्वर ने उनको चमड़े के वस्त्र बनाकर पहना दिए, तब परमेश्वर का ये संदेश था कि तुम अपने आप का बचाव नहीं कर सकते, तुम्हारे जीवन में जो समस्या तुमने पैदा की है उस समस्या का हल सिर्फ परमेश्वर के हाथ में है, प्रभु के हाथ में है। इसके अलावा प्रभु ने एक बात और कहा था जो भविष्यवाणी के रूप में है। भविष्यवाणी के रूप में प्रभु ने कहा कि स्त्री की संतान सर्प के सर को कुचल देगा। वहां स्त्री को किसने धोखा दिया था, सर्प ने। सर्प के अंदर शैतान समाया हुआ था, और प्रभु ने यह कहा कि स्त्री की संतान उस सर्प का सर कुचल देगा। ये एक भविष्यवाणी थी जो पढ़ने पर एकदम से समझ में नहीं आती, लेकिन प्रभु के वचन को आदि से लेकर अंत तक जब हम पढ़ते हैं तब ये बातें स्पष्ट हो जाती है कि वहाँ सर्प का सर कुचलने से क्या मतलब था। उस भविष्यवाणी में परमेश्वर ने आदम और हव्वा को ये वाचा दी, ये वचन दिया, मुक्तिदाता आएंगे और मुक्तिदाता शैतान का सर कुचल देंगे, और मुक्तिदाता इस संसार में जितने लोग हैं, जो पैदा हुए थे, जो अभी हैं और जो आने वाले हैं, सबको उनके पापों से क्षमा प्रदान करेंगे। आज से लगभग 54 साल पहले जब ये खबर मेरे पिताश्री ने मुझे बताई, तो वहीं पर घुटने टेक कर मैंने प्रभु से प्रार्थना और याचना की कि प्रभु मैं पापी हूँ, और मैं इस बात को समझता हूँ कि आपने सूली पर मेरे पापों की सजा भुगत ली है, और इस कारण मैं आपसे 2 बातें याचना करना चाहता हूँ। 1, मेरे पापों की सजा क्षमा कर दें। 2, मुझे मुक्ति प्रदान करें। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने अपने पिताश्री के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना की थी। हम लोग चेन्नई में थे उस समय। तब से मेरे मन में एक विशेष खुशी है, एक विशेष शांति है। और यदि मुझसे कोई पूछे कि शास्त्री, यदि आज तुम मर जाओगे तो कहाँ जाओगे, मेरा जवाब होगा, और मेरा जवाब है, मैं परमेश्वर की, प्रभु की उपस्थिति में चला जाऊँगा। आज जितने लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ
यदि मैं आज ये प्रश्न आपसे पूछूं, यदि आज आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है तो दुनिया छोड़कर आप कहाँ जाएंगे? प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे या कहीं और जाएंगे? यदि आपको इस बात का यकीन नहीं है कि प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे, आपको यदि शंका है क्या मैं प्रभु की उपस्थिति में जाऊंगा, तो आज ही प्रभु यीशु की सूली के पास आकर उनसे प्रार्थना और याचना कीजिए, प्रभु मैं पापी हूँ, मैं मान रहा हूँ, मैं मान लेता हूँ कि मैं पापी हूँ, मैं ये जान गया हूँ कि सूली पर आपने मेरे पापों की सजा भुगत ली है, और इस कारण मैं आपसे दो बातों का अनुरोध करना चाहता हूँ। नंबर वन, प्रभु मुझे पापों की सजा से मुक्ति दीजिए। नंबर दो, प्रभु मुझे उद्धार प्रदान कीजिए। ये जब हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो हमारे पापों की जो सजा है उससे हमको छुटकारा मिल जाएगा और हमको मुक्ति मिल जाएगी, जिसका मतलब यह है कि एक समय ऐसा आएगा जब प्रभु हमको पुनर्जीवित कर देंगे। मैं मान के चल रहा हूँ कि प्रभु के आने में देर है, हम अपनी ज़िंदगी बिताकर ख़त्म हो जाएंगे। यदि इस तरह से हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है तो भी प्रभु जब संसार में दोबारा आएंगे तब हमको पुनर्जीवित कर देंगे। आप पूछेंगे कि प्रभु दोबारा आएंगे? जी हाँ, प्रभु यीशु जब संसार में थे तब कई बार उन्होंने ये बात बताई थी, और सबसे आखिर में अपने पुनर्जीवित हो जाने के बाद प्रभु एक दिन शिष्यों के साथ एक पहाड़ पर खड़े होकर बात कर रहे थे, तब अचानक उनके सामने, वो लोग देखते रह गए, प्रभु आसमान में उठा लिए गए, उनके सामने स्वर्गारोहण हो गया। जब वो लोग इस तरह से अचंभित होकर खड़े थे तब स्वर्गदूतों ने आकर उनसे कहा, क्या देख रहे हो? ये प्रभु जिस तरह से चले गए उसी तरह से भविष्य में वापस आएंगे। मेरे जीवन में सबसे बड़ी आशा ये है कि यदि मेरे जीते जी प्रभु आएंगे तो मुझे रूपांतरित शरीर मिल जाएगा। ये शरीर नश्वर है, रूपांतरित शरीर अनश्वर है, मुझे रूपांतरित शरीर मिल जाएगा। लेकिन यदि मेरी मृत्यु के बाद प्रभु पधारते हैं तो मुझे पुनर्जीवित कर दिया जाएगा और रूपांतरित शरीर दे दिया जाएगा। और इस तरह से रूपांतरित शरीर के साथ जिन लोगों ने भी प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में पाया है, वे सब प्रभु के साथ रूपांतरित शरीर में हमेशा हमेशा के लिए शाश्वत काल प्रभु के साथ रहेंगे, प्रभु के साथ जिएंगे और प्रभु की उपस्थिति का आनंद लेंगे। आज जितने लोग बैठे हैं इनमें से यदि किसी ने इस शाश्वत जीवन को नहीं पाया है तो हम में से किसी से बात कीजिए। भाई जफरी हैं, भाई संतोष हैं, भाई बर्नबास हैं, इसके अलावा और भी कई अनुभवी लोग यहाँ हैं, उनसे बात करेंगे तो इस बात को और अधिक स्पष्ट कर देंगे। इन बातों को समझने के लिए और इसके अनुसार चलने के लिए प्रभु हम सबकी मदद करें। प्रभु के नाम की स्तुति हो। भाई बर्नबास आकर प्रार्थना में इस सभा का समापन करेंगे। प्रिय दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि शास्त्री जॉनसन सी फिलिप के आज के इस बाइबल प्रवचन द्वारा आपको बहुत अधिक अनुग्रह मिला होगा। शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं। उनका कोई भी प्रवचन आपसे छूट न जाए उसके लिए इस पाठ्यमाला को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है, पहले उसे क्लिक कर दें। उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है उसे क्लिक कर दें। बस हो गया काम। अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी। इतना ही नहीं, हर नया सब्सक्राइबर हमको बहुत अधिक प्रोत्साहन देता है। जय मसीह की।